हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो फिर लास्ट व्लॉग कैसा लगा आपको मेरा फूड व्लॉग? तो काफ़ी ज़्यादा शुगर लगा था बच्चों के साथ। हाँ यार सॉरी गाइस, टेक व्लॉग का थोड़ा सा डिले हो गया था। असल में वो वीडियो बनाते बनाते मेरा फ़ोन में कोई मसला आ गया था, तो उस वजह से वो व्लॉग पॉसिबल नहीं हुआ था। बट इंशाल्लाह इस ट्यूसडे को ज़रूर आ जाएगा। तो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करें यार चैनल को, सपोर्ट करें, लाइक करें, बाकी शेयर वगैरह करें दोस्तों के साथ, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए कंटेंट लेके आऊँ फिट किस्म का। तो चलते हैं आज की ब्लॉग की तरफ। तो आज के ब्लॉग में हम लोग करने लगे हैं जी कुछ डिफरेंट। पहले हम स्ट्रीट फूड भी मैं थोड़ा बहुत करता रहा हूँ, कोरोना की वजह से वो थोड़ा रोक दिया है, बट इंशाल्लाह प्लान में है कि वो शुरू किया जाए थोड़ा बहुत थोड़ी केयर के साथ। तो इंशाल्लाह वो भी आज आना शुरू हो जाएगा, आपको स्ट्रीट फूड भी खाऊंगा। तो बाकी जहाँ तक बात है कि बाकी हम फूड टेस्ट वगैरह भी घर के अंदर भी करेंगे, या आपको स्टूडियो के अंदर आपने सारा कुछ फूड टेस्ट वगैरह भी करते हुए नज़र आएंगे। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट है, आज निकाई की डिमांड थी तो वो हमारे साथ। अगर आपको निकाई का नहीं पता तो लास्ट ब्लॉग जाके देखें, क्योंकि उसकी डिमांड थी। उसने कहा था कि उसने कोई बड़ी ख़ास स्पेशल नूडल्स इन्वेंट किए हैं, तो वो चाहता था कि हम लोग वो नूडल्स खाएं, देखें वो उसको उसकी रेसिपी आपको दिखाऊंगा। तो चलें चलते हैं, टेस्ट करते हैं उसको, जाके उसको बनाते हुए दिखाते हैं, उसके बाद उसकी नूडल्स को टेस्ट करेंगे। तो देखते हैं कि मिकाइल की स्पेशल नूडल्स कितनी कुछ स्पेशल हैं। लेट्स गो। अच्छा जी, तो हम किचन में आ गए हैं मिकाइल के पास। तो क्या मिकाइल, आज किस टाइप की नूडल्स बनाए? लगे स्पाइसी हैं, किस टाइप की? स्पाइसी हैं, बस इतनी भी स्पाइसी नहीं है लेकिन स्पाइसी हैं। अच्छा चलो ज़बरदस्त, स्पाइसी तो फिर लव है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर मिकाइल, ठीक है? पहले हम आप मिर्चे काटते हैं। अगर आपने दो पैकेट बनाने हैं तो आप तीन से चार मिर्चे लेंगे, और अगर आपने एक पैकेट बनाना है तो आप दो से तीन मिर्चे लेंगे।
अब हम उसको उबाल आने देंगे। मिर्ची इसलिए डाली है ताकि इसका ये पानी जब सूख जाए तो हल्का सा टेस्ट आए, इसका स्पाइसी होगा। अच्छा। स्पाइसी का टेस्ट आता है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसके बाद अगर इसको उबाले आने देंगे, जब इसको छह उबाले आ जाएंगे फिर हम मिर्ची निकाल लेंगे। अच्छा, मिर्ची जब निकाल लेंगे फिर नूडल्स डाल लेंगे, फिर नूडल्स उबल जब उबलने लग जाएंगी फिर हम ये सारी सॉस डाल लेंगे। चलो ठीक है। डालते हैं। कितनी डालनी है? दो नूडल्स के अंदर 2 टीस्पून। अगर हमें 1 बनानी है तो 1 टीस्पून। इसको हम हाफ टीस्पून डालें। रेड पे क्या डाल रहे हैं? हॉट सॉस। अब हम डालते हैं हॉट सॉस। सब कलर देखिए, ये हम एक ही डालेंगे। अब हम इस सब इतना ज्यादा स्पाइस है इसके अंदर, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नूडल्स का कलर भी हल्का हल्का और रेड सा होने लग पड़ा। तो फाइनली मिकाइल नूडल्स तैयार करके ले आया है। तो सूंघ के स्पाइसी लग रही है, तो चलें देखते हैं, टेस्ट करते हैं आज मिकाइल की रेसिपी, हो जाए फिर टेस्ट। ज़रा फिट किस्म का ना घुमा के।
पिज्जा फ्रॉम स्पाइसी है थोड़ी सी बट बहुत स्पाइसी नहीं है। ये जरा मिर्च के साथ खाते हैं। जहाँ तक टेस्ट की बात है तो टेस्ट में एक अच्छा डिफरेंस है तो, और क्या नाम है, मेरा ख्याल है चिली सॉस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी और वो मैंने से खुद थोड़ी मना की थी क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा डाल रहा है, तो वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। बाकी एक इसका अपना यूनिक टेस्ट है, चिकन नूडल्स ऐसा नहीं है। तो आप मिकल अपनी नूडल्स खुद ट्राई करो। टेक्सचर जो है वो कुक की वजह से सॉफ्ट हो गई नहीं है बिल्कुल, और हाँ थोड़ी सी मतलब अगर मैं फील करूँ तो इसको थोड़ा सा कम कुक होना चाहिए था नूडल्स को, तो ये है कि नूडल्स थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हुई है। ये मेरी है सारी। खैर थैंक यू सो मच, और क्या नाम है, व्लॉग्स टेंशन नहीं लेनी, आपने घबराना नहीं है क्योंकि आगे टेक व्लॉग आने वाला है। टेक व्लॉग तैयार हो चुका हुआ है, सिर्फ अब ट्यूसडे का वेट कर रहा हूँ, तो टेक व्लॉग इंशाल्लाह आएगा और उसमें मेरी फेवरेट आइटम है मस्त देखिएगा, और कमाल की चीज़ है वो जो भी है। और बाकी जहाँ तक बात है खाने पीने की तो वो लोग, वो तो व्लॉग चलते रहेंगे भाई, ये लोग वैसे ही जान नहीं मेरी छोड़ते। आज का व्लॉग फिर इस तरह एंड हुआ। थैंक यू सो मच मिकल, नूडल्स बहुत मज़े की थी। खैर ट्राई करिएगा, अपनी खुद भी बना के ट्राई करिएगा। हाँ इसमें थोड़ी सी स्पाइस और थोड़े से वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर लीजिएगा, ताकि चिकन ऐड कर लीजिएगा ताकि मज़ीद बेहतर ये नूडल्स आप तरीके से इंजॉय कर सकें। और इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स वगैरह खाने के तो अब कोशिश करूँगा, थोड़ा स्ट्रीट फूड की तरफ भी निकलूँ। कोरोना की वजह से निकला नहीं जा रहा खैर, बट स्टिल आई विल ट्राई कि यार थोड़ा सा थोड़ा बहुत बाहर का व्लॉग करना शुरू करूँ, तो वो इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। आप आगे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ तो बाकी ये है कि यार सब्सक्राइब करें, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी पेज नया है, तो आप लोगों की सपोर्ट से ये ग्रो करेगा, तो आप लोग इसको शेयर करें और इंशाल्लाह खूब इंजॉय करेंगे हम लोग, बहुत शुगर लगाएंगे और बच्चों के साथ भी शुगर लगता रहेगा। बाकी व्लॉग्स तो अब देखें आते ही रहेंगे, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।